अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है? अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं आप? इधर काम करते हैं। इधर काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बैटरी करते हैं। कितने अर्से से कर रहे हैं? ढाई साल से। ढाई साल से कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? पढ़ता था। पढ़ाई की आपने? कितनी पढ़ाई की? मिडिल पास। क्या तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? बस थोड़े मसले मसाले थे उसकी वजह से। अच्छा ठीक है। अभी आप नौकरी सही से कर रहे हैं? हाँ जी। तो जब काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको तनकीद तो नहीं करते? नो। मजाक तो नहीं उड़ाते? नो। चले ठीक है, आप बताइए मुझे, हम आपसे करेंगे कॉमन सेंस का सवाल। एक मुझे बताएं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? नाश्ते में नहीं खा सकते? पानी और प्लेट। नहीं, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज़ नाश्ते में नहीं खा सकते? जहर। जहर नाश्ते में वो नहीं खाई थी। अच्छा बताएं, जहर कुछ लोग हमारी ना जिंदगी में ऐसे होते हैं, जाहिर हम उनको जहर दे नहीं सकते, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिसको आप कहेंगे कि मैं ना इसको जहर दे के मार दूं? दुश्मन। दुश्मन? अच्छा, ऐसे दुश्मन को ऐसा सोचते हैं बंदा कि इसको मार देना चाहिए? हाँ होता है। होता है। आपका कोई जिंदगी में दुश्मन है? बहुत है। क्यों? मैंने तो सुना है कि जो बड़ा कामयाब होता है उसके बड़े दुश्मन होते हैं। नहीं, जो नहीं कामयाब है उसके भी दुश्मन होते हैं। जो नहीं कामयाब उसके भी दुश्मन होते हैं, ये कैसे आपको महसूस? ज्यादातर लोगों की आपसे दुश्मनी क्यों है? जो कामयाबी की तरफ चलता है उसके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो कामयाब नहीं भी होता उसके भी दुश्मन होते हैं। होते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देखने वालों को, दिल से, जो आपने जिंदगी में सोचा हो कि मुझे मौका मिले बात करने का तो मैं इस बारे में बात करूंगा? मैं यही बात करूंगा, जो लड़के नहीं ना पढ़ते उसकी वजह से काम, उसके वाले से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हम ये ना सोचे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सोच बड़ी करें तो ये काम हम का मेरा नहीं है, सब लोग मेरे जैसे नहीं, और जो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो ये सोच के पढ़े यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अपने लोग मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, अपनी वाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये जो लोग अभी जो वज़ीर-ए-आज़म आएगा, अल्लाह करे अच्छा ही आए, हमारे लिए अच्छा आए और वाम के लिए भी अच्छा है, इसलिए ये पैगाम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बातें आपने इनकी सुनी और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको चाहिए कि वो पढ़ें, और अगर वो नहीं पढ़ पाएँ तो मेहनत करते रहें, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते रहें।